एक छोटी सी वीडियो होने वाली है एसएससी सीएचएसएल 2024, इसकी आंसर की आ चुकी है। एंड ये जो डेटा है वो रैंक मित्रा का है। डेफिनेटली आपको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डेटा डालेंगे तो इससे आपको और बेटर आइडिया मिल पाएगा। करंटली ये 50,000 के अराउंड कैंडिडेट्स का डेटा है। डेफिनेटली इसमें और भी ज़्यादा डेटा जाएगा। आई थिंक 1,00,000 का तो मिनिमम डेटा इसमें जाएगा ही। अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो हार्डेस्ट शिफ्ट है वो है 2 जुलाई की आखिरी शिफ्ट, जिसका एवरेज है 107। एंड जो ईजेस्ट शिफ्ट है वो आप देख सकते हैं वो है 1 जुलाई की तीसरी शिफ्ट, जिसका है 130। अराउंड 23 मार्क्स का गैप है हार्ड और ईजी शिफ्ट के बीच में। अब वैसे तो नॉर्मलाइजेशन बता पाना काफ़ी मुश्किल होता है। समटाइम्स जो है नॉर्मलाइजेशन सही बैठ जाता है, समटाइम्स जो है जैसे कि इनकेस अगर आपको 10 नंबर कहा गया कि बढ़ेगा तो समटाइम्स ये होता है कि 7 से 8 नंबर ही बढ़ते हैं। मोस्टली यही देखा गया है कि जैसे कि हार्ड और ईजी के बीच में इसमें 23 मार्क्स गैप है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें आपका 20 के राउंड जो है कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ सकते हैं। एंड अभी क्योंकि काफ़ी इनिशियल वीडियो है ये, एंड जितना मुझे लगता है कि कट ऑफ आपकी अराउंड 150 के राउंड जो है कट ऑफ ये जा सकते हैं। फिर से बता दूँ काफ़ी इनिशियल रिव्यू है, अभी इसमें कुछ टाइम बाद जो है और ज़्यादा बेटर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। और किसी भी यूट्यूब वीडियो को देखने से बेटर है आप रैंक मित्रा पर जाइएगा, वहाँ से जब आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद की रैंक पता चले उससे आपको सबसे अच्छा आइडिया मिल पाएगा। इस हिसाब से आपके शिफ्ट में आपकी रैंक कैसी है उससे भी आपको काफ़ी बेटर आइडिया मिल पाएगा। अभी ये काफ़ी स्टार्टिंग का रिव्यू है, इससे बस आपको इससे ये पता चल जाएगा कि भाई आपका शिफ्ट कैसी है, ये हार्ड है या फिर ईजी है, एंड कितना एक्सपेक्टेड है कि नॉर्मलाइजेशन बढ़ सकता है। मैं फिर से बता दूँ जितना दिखाया जाता है उतना मोस्टली नहीं बढ़ता है, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि अगर 10 नंबर कहा गया तो 7 से 8 इतना मैक्सिमम जो है बढ़ता है, कभी भी 10 से ज़्यादा 11 नहीं होता है, मोस्टली यही देखा गया है। बाकी आपके क्या मार्क्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैकेंसीज पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा हैं, ऑल्दो 22 से कम है लेकिन 23 से काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो डेफिनेटली ज़्यादा लोगों को लिया जाएगा एज़ कम्पेयर टू 2023। हैव नाइस डे।